हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी 15 क्लास है, 14 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ब्रिक लेड विद इट इज लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल इज नोन एज। सो फ्रेंड्स, यहां पर यह कह रहा है कि लेंथ इज पैरेलल, सो इट इज अ ब्रिक एंड इट इज अ फ्रॉग। ओके, सो लेंथ इज पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल, सो द करेक्ट इट इज अ स्ट्रेचर वॉन्ड, स्ट्रेचर एंड इट इज अ हेडर। ओके, एंड इट इज अ फ्रॉग। सो द हियर द ब्रिक लेड विद इट इज लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ स्ट्रेचर वॉन्ड। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि द ब्रिक लेड विद इट इज लेंथ, यानी कि लेंथ वाइज लेड हो रही है ना, और पैरेलल है किसके, फेस ऑफ द वॉल के। अगर परपेंडिकुलर बोले तो हेडर होता, ध्यान रखिएगा, अगर परपेंडिकुलर बोलता तो हेडर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर आस्क टू डिजाइन एंड सुपरवाइज अ ट्रस फॉर अ फैक्ट्री टू हैव अ स्पैन 6 मीटर टू 9 मीटर। The type of truss you will use, mansard truss, option A, option B queen post truss, option C king post truss, option D collar truss. So which of the following is correct answer? So friends, C option is correct answer. Okay, king post truss. 6 meter से 9 span, 6 meter से लेके 9 span meter तक की अगर आपको ट्रस बनानी है तो किंग पोस्ट ट्रस का आपको निर्माण करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वरांदा फ्लोर्स आउटवर्ड स्लोप कितना दिया जाता है? इन अ वरांदा फ्लोर्स आउटवर्ड स्लोप, सो फ्रेंड्स इन अ वरांदा फ्लोर्स द आउटवर्ड स्लोप शुड बी प्रोवाइडेड 1 in 60। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, रिमेंबर इट। कुछ प्रश्न फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें याद करना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम निकालना है हमको। ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको सी ही लगाना होगा अगर नंबर चाहिए तो। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए याद कर लीजिए, वरांदा में फ्लोर पे जो स्लोप दिया जाता है वो 1 in 60 का दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ जैक आर्च फ्लोर द राइज इज कैप्ड, इन अ जैक आर्च फ्लोर द राइज इज कैप्ड। सो फ्रेंड्स, इन अ जैक आर्च फ्लोर द राइज इज कैप्ड 1/12 ऑफ द स्पैन। जो राइज देते हैं ना आर्च में, वो जैक आर्च में, ठीक है, जैक आर्च में जो राइज दिया जाता है वो स्पैन का कितना दिया जाता है, 1/12 दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड ऑफ मूविंग ईच ब्रिक थ्रू अ स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिफोर इट इज फाइनली लेड इन एनी ब्रिक वॉल एंड प्रेसिंग इट बाय मीन्स ऑफ ब्रिक हैमर इज नोन एज। आई रिपीटेड अगेन क्वेश्चन। The method of moving each brick, the method of moving each brick through a small horizontal distance before it finally laid in a any brick wall and pressing it by means of the brick hammer is known as. So the correct answer of this question, friends, laying. Laying is correct answer. Okay, so B option is correct. फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं इसीलिए। चलिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ अनसुटेबल फॉर द फाउंडेशन बिकॉज। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग जानते होंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल को हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। सो द ब्लैक कॉटन सॉइल वी अवॉइडेड बिकॉज द बियरिंग कैपेसिटी इज़ लो। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, बियरिंग कैपेसिटी लो होती है ब्लैक कॉटन सॉइल की। ठीक है, परमेबिलिटी इज अनसर्टेन। पार्टिकल आर कोहेसिव, द प्रॉपर्टी टू अंडरगो अ वॉल्यूमेट्रिक चेंज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो इसका होगा डी ऑप्शन। ओके, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है बेसिकली कॉटन की जो खेती होती है, कॉटन की जो क्रॉप होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो और इसका वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लो बेयरिंग कैपेसिटी होती है, लो शेयर स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी, प्रॉपर्टी टू अंडरगो अ वॉल्यूमेट्रिक चेंज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेम्परेरी रिजिड स्ट्रक्चर, अ टेम्परेरी रिजिड स्ट्रक्चर, अ टेम्परेरी रिजिड स्ट्रक्चर हैविंग अ प्लेटफॉर्म टू अनेबल मैसन्स टू वर्क एट अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ बिल्डिंग इज नोन एज। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जेई में आ चुका है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेई के ही हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, कोई 2013 में आया, कोई 2014 में आया, कोई 2015 में आया, कोई 2016 में आ चुका है, कोई 17 में आ चुका है, कोई 18 में आ चुका है, 19 का अभी नहीं हुआ है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग इज करेक्ट आंसर। स्कैफोल्डिंग आप जानते होंगे, जो जो हमारे जो मैशन होते हैं वो उस पर चढ़ के प्लास्टर वगैरह करते हैं, आपने कभी कई बार देखा होगा। इधर से लगा देते हैं बल्ली को, एक इधर से बल्ली लगा देते हैं और बीच में पाड़ डाल देते हैं। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर ही तो है, बाद में हट जाता है। तो वही तो यहाँ पे बोल रहा है, इट इज़ अ टेम्परेरी रिजिड स्ट्रक्चर हैविंग द प्लेटफॉर्म टू एनेबल मैसन टू वर्क। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्कैफोल्डिंग ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विद अ 3 mm मार्बल चिप्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो टेराजो फ्लोर्स होते हैं, टेराजो फ्लोर्स क्या होते हैं, इस तरीके से चिप्स होती हैं, किसकी, मार्बल की। तो इनसे फ्रेंड्स बनाया जाता है आपका फ्लोर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेराजो फ्लोर बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन भी फ्रेंड आया हुआ है एसएससी जेई का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल स्वेलिंग ऑफ अ फिनिश्ड प्लास्टर, द लोकल स्वेलिंग ऑफ अ फिनिश्ड प्लास्टर इज नोन एज। सो फ्रेंड, द लोकल स्वेलिंग इज अ फिनिश्ड प्लास्टर इज नोन एज ऑप्शन ए क्रैकिंग, ऑप्शन बी डबिंग, ऑप्शन सी ब्लिस्टरिंग, ऑप्शन सी हैकिंग। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ ब्लिस्टरिंग। ओके, मतलब ये है कि जो प्लास्टर हम लोग करते हैं उसके बाद क्या होता है, प्लास्टर फूल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लिस्टरिंग, द लोकल स्वेलिंग। इसको लोकल स्वेलिंग का नाम दिया जाता है ऑफ अ फिनिश्ड प्लास्टर्ड, सो इसको ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। हैकिंग किसे बोलते हैं? हैकिंग होती है, मान लीजिए आपको इस दीवार पे प्लास्टर करना है। ठीक है, तो इस दीवार पे एकदम प्लास्टर तो नहीं कर देंगे, प्लास्टर की जो बॉन्डिंग को अच्छी कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर मतलब ये सेशल होता है ना, छैनी बोलते हैं, उससे क्या करते हैं, इस तरीके की हैकिंग कर देते हैं, यानी कि इसको मतलब रफ बना देते हैं इस दीवार को, ताकि हम लोग जो प्लास्टर करते हैं, जो मैशन प्लास्टर करता है, उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से बन जाए। ठीक है, तो हैकिंग हम लोग करवाते हैं इससे, ताकि ये प्लास्टर जो है वो हमारा छूट कर बेकार ना हो जाए दोबारा। ठीक है, एक आध दो महीने बाद पता चला कि खराब हो गया पूरा प्लास्टर, झड़ने लग गया, तो वो हैकिंग अगर अच्छी तरीके से होगी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से प्लास्टर की हो जाएगी। ठीक है, तो बट इसका यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लोकल स्वेलिंग ऑफ द फिनिश प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर का थिकनेस बेसिकली हम लोग कितना लेते हैं, प्लास्टर की थिकनेस 12 mm का फ्रेंड्स हम लोग प्लास्टर की थिकनेस लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो
प्लास्टर के लिए जो हम लोग रेशियो लेते हैं वो 1:6 का रेशियो लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन जॉइंट इन अ मेजनरी वॉल प्रोवाइडेड इफ द लेंथ एक्सीड। ये प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई में 2017 में, आई थिंक 18 में आया हुआ है, ठीक है। द एक्सपेंशन जॉइंट इन अ मेजनरी वॉल प्रोवाइडेड इफ द लेंथ एक्सीडेड, सो द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 40 मीटर, ओके। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोन हुज क्रशिंग स्ट्रेंथ इज लीस्ट, द स्टोन हुज क्रशिंग स्ट्रेंथ इज लीस्ट, ग्रेनाइट, चौक, मार्बल, स्लेट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ बी ऑप्शन इज करेक्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन हुज क्रशिंग स्ट्रेंथ इज लीस्ट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस इट इज विड्थ, द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ इज कॉल्ड एज, सो द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस इट इज विड्थ इज नोन एज, सो इट इज कॉल्ड एज बैथ, ओके, बैट बोलते हैं इसको। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ बॉन्ड, द टाइप ऑफ बॉन्ड, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स। यहाँ पे यही बात ध्यान से सुनने की है, ध्यान से क्वेश्चन में देखने की है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर कॉल्ड एज, सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पर देखिए आप, इट इज़ अ स्ट्रेचर लॉन्गेस्ट लेंथ एंड इट इज़ अ हेडर, इट इज़ अ स्ट्रेचर, इट इज़ अ हेडर, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज फिलेमिस बॉन्ड, ओके। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सपोर्ट अ हैवी स्ट्रक्चर इन अ सैंडी सॉइल, टू सपोर्ट अ हैवी स्ट्रक्चर इन अ सैंडी सॉइल द टाइप ऑफ फाउंडेशन इज जनरली यूज्ड। यहां पर हैवी स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द टू सपोर्ट अ हैवी स्ट्रक्चर्स इन अ सैंडी सॉइल, हैवी स्ट्रक्चर्स सपोर्ट करने के लिए आप लोग कौन सी फाउंडेशन का यूज़ करते हैं? तो आपको हैवी नाम से सुनते ही आपको सिर्फ एक ही फाउंडेशन याद आनी चाहिए, पाइल फाउंडेशन या फिर पियर फाउंडेशन, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vertical side member of a shutter frame is known as, a vertical side member of a shutter frame is a, so friends the correct answer of this question is a, so friends the correct answer is a style, okay, A option is correct. Here the vertical side member of a shutter, मैंने आपको इस डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें स्टाइल कहां पर होती है। फ्रेंड्स द वर्टिकल साइड मेंबर ऑफ द शटर, अब देखिए ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं ये तो आपका फ्रेम हो गया, ठीक है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से माइंड में, ये फ्रेम हो गया और जो ये वाला पोर्शन है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये हैचिंग करके दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पीछे, तो अब क्वेश्चन को पढ़िए, अब आपसे बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपको ध्यान में होगा कि हाँ क्या है ये। सो द वर्टिकल साइड मेंबर ऑफ अ शटर फ्रेम इज नोन एज, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्टाइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और टर्म समझ लीजिए, टॉप रेल किसको बोलते हैं,
देखिए टॉप रेल क्या होती है, ये जो हैचिंग कर रहा हूँ ना मैं, इसको बोलते हैं टॉप रेल, ठीक है। और जो मैं नीचे हैचिंग कर रहा हूँ इसको बोलते हैं बॉटम रेल, ठीक है। टॉप रेल और ये बॉटम रेल होता है, ठीक है। अब लॉक रेल किसे बोलते हैं, लॉक रेल, लॉक रेल दोस्तों ये होती है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं लॉक रेल। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पैनल किसे बोलते हैं, ये मैं हैचिंग कर रहा हूँ इसको बोलते हैं पैनल, ठीक है। स्ट्राइक प्लेट किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्लेट, अंदर की जो होती है इसको स्ट्राइक प्लेट बोलते हैं। थ्रेस होल्ड, ये बॉटम के ऊपर थ्रेस होल्ड होता है। रेल किसे बोलते हैं, इनको रेल बोलते हैं जो मैं हैचिंग कर रहा हूँ, ये रेल होती हैं, ठीक है। जैम्प किसे बोलते हैं, इसको जैम्प बोलते हैं। इस डायग्राम के सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बॉटम रेल किसे बोलते हैं, लॉक रेल किसे बोलते हैं, हिंज किसे बोलते हैं, ये देखो ये दिखाई दे रही है आपको, ये हिंज होती हैं, ये रही जिसकी वजह से कोई भी जो डोर होता है वो वर्क करता है, घूमता है एक जगह पे, एक तरह का हिंज सपोर्ट होता है उसमें, है ना। इसको लॉक स्टाइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंज स्टाइल, और ये टॉप रेल। आई थिंक आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप जानिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दी हियर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ ए ऑप्शन इज करेक्ट, स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टेप इन अ फ्लाइट जनरली शुड नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ स्टेप इन अ स्टाइल। मतलब ये कि मान लीजिए ये है एक स्टेयर केस है, ठीक है, तो इसको तो राइज बोलते हैं, इस जिस पे हम लोग पैर रखते हैं इसको ट्रेड बोला जाता है, ठीक है। और ये जो जो सपोर्ट करता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रिंग बोलता हूँ इसको, क्या बोलता हूँ, स्ट्रिंग्स। और समथिंग कभी कभी फ्लाइट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इस तरीके से होता है ये, और ये जो होते हैं ना ये, इसको मैं बोलता हूँ नोबल पोस्ट, न्यूवल पोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये ऊपर तक जाता है ना, इसको मैं बोलता हूँ हैंड रेल, हैंड रेल बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये जो बाहर निकले होते हैं ना ये, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको नोज़ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नोज़। और ये जो एक नोज़ को दूसरी नोज़ से मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, इसको मैं बोलता हूँ लाइन ऑफ नोज़। ये सारे जो मैं टर्म आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और स्टेयर केस की डायरेक्शन को बदलने वाला जो एंगल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, विंडर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंडर्स। ये भी प्रश्न आता है एसएससी जेई में, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, आगे इस पर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ होगा। चलिए एक वो था ब्लस्टर्स, ये जो ब्लस्टर्स होते हैं ना यहाँ पे, ये इस तरीके से इनको ब्लस्टर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि मिनिमम स्टेप्स कितने होने चाहिए, तो फ्रेंड्स मिनिमम स्टेप होने चाहिए 3 स्टेप्स तो होने ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम स्टेप 12 स्टेप्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इससे कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन, सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलम ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, द कॉलम ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर डिजाइन टू विदस्टैंड द फोर्सेज ड्यू टू, सो डेड लोड भी वर्क लगता है उस पर, लाइव लोड भी लगता है, विंड लोड भी लगता है, सभी के सभी लोड्स लगते हैं ना, तो उसी के हिसाब से कॉलम को डिजाइन किया जाता है। सो हियर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी ऑप्शन इज अ करेक्ट, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सॉइल पॉजिंग लो बियरिंग कैपेसिटी, If a soil possessing low bearing capacity, the type of foundation generally provided. अगर soil की किसी soil की low bearing capacity है, ठीक है, तो low bearing capacity में हम लोग कौन से type की foundation को use कराते हैं, बताइए। So अगर low bearing capacity होती है तो हम column footing का भी use करा देते हैं, गिरलेज फुटिंग का भी यूज़ करा देते हैं, राफ्ट फुटिंग का भी यूज़ करा देते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके,
ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये करा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं बुकों से लिए गए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे लिए गए हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी वहाँ से लिए गए हैं। सो इम्पोर्टेंट है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस आपका काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है। इन वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन समझने वाले होते हैं वो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन याद कराने वाले होते हैं वो क्वेश्चन याद भी कर लीजिए। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मोटर यूज इन अ लोड बियरिंग ब्रेक मेजनरी, सो द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मोटर यूज इन अ लोड बियरिंग कैपेसिटी इट इज़ अ 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी लेस, मोर, इक्वल, इक्वल और मोर। एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ हेडर कोर्स, हेडर कोर्स की थिकनेस कितनी होती है? लेस होती है। ओके ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, लेस होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑप्टेन अ गुड बॉन्डिंग इन अ ब्रिक मेजनरी, टू ऑप्टेन अ गुड बॉन्डिंग इन अ ब्रिक मेजनरी फर्स्ट क्लास ब्रिक आर यूज्ड, बिल्कुल सही है। वर्टिकल जॉइंट्स इन अ अल्टरनेट कोर्सेस, वर्टिकल जॉइंट इन अल्टरनेट कोर्सेस आर कैप्ट इन अ प्लम्ब लाइन। वट इज अ प्लम्ब लाइन? प्लम्ब लाइन डिस्क्राइब द वर्टिकलनेस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। ओके एंड बैट आर यूज वेयर नेसेसरी, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ फ्रेंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी फुलफिल होने चाहिए सारी कंडीशन, तो आप क्या करेंगे गुड बॉन्डिंग ब्रेक मेजनरी में पालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि डायग्राम के साथ समझाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है द टाइप ऑफ पॉइंटिंग इन विच अपर साइड ऑफ मोर्टार जॉइंट इज कैप्ट 12 mm इनसाइड द फेस ऑफ मेजनरी एंड बॉटम इज कैप्ट फ्लज्ड विद द फेस वॉल इज कॉल्ड एज। सो इस तरीके की जो पॉइंटिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, मतलब ये देखिए आप डायग्राम में देखिए, जब मतलब हम लोग मैसन जो प्लास्ट जो मेजनरी करता है तो ये सीमेंट बाहर निकल के आ जाता है, तो इस सीमेंट को अंदर तक सफाई कर दी जाती है इसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके की सरफेस मिल जाती है हमको साफ सफाई से, तो दिखने में भी अच्छी होती है, अपेयरेंस गुड होती है, ठीक है, इस तरीके की बॉन्ड की, ठीक है, इस तरीके की मेसनरी की, तो इसको या इस तरीके की पॉइंटिंग की, तो इस पॉइंटिंग को नाम क्या कहते हैं? तो इस पॉइंटिंग का नाम फ्रेंड्स है स्ट्रक पॉइंटिंग। ओके सो स्ट्रक पॉइंटिंग इज अ करेक्ट आंसर, स्ट्रक पॉइंटिंग इज अ करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिमेंबर इट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम के अब समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पे आपको समझाने की कोशिश होगी वहां समझाया जाएगा। ओके द वेज शेप्ड ब्रिक फॉर्मिंग एन एन आर्च रिंग, द वेज शेप्ड ब्रिक फॉर्मिंग एन आर्च रिंग इज कॉल्ड एज। सो करेक्ट आंसर क्या है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आर्च है, ठीक है, और ये जो एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो अपर में ऊपर सबसे ऊपर जो पत्थर लगाया जाता है इस पत्थर का नाम क्या है? तो इस पत्थर को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं की स्टोन। क्या बोलते हैं? की स्टोन, ठीक है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि वेसर क्या होते हैं, वेसर, वॉयसर, वॉइसर की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि ये एक तरह के वेज शेप्ड ब्रिक्स होती हैं जो आर्च को बनाने में मदद करती हैं। ये मैं बना रहा हूँ ना, ये इट इज़ अ वेज शेप्ड वॉइसर बोला जाता है इनको, ठीक है। और एक्स्ट्रा डोर्स किन्हें बोला जाता है? एक्स्ट्रा डोर्स बोला जाता है इनको, जो ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की जो लंबाई होती है ये, इसको बोलते हैं रेडियल, रेडियल लेंथ जो होती है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डोर्स। और जो अंदर की होती है, ये आप गौर से देखिए जहाँ पे मैं मार्कर चला रहा हूँ, इनको बोलते हैं इंट्रा डोर्स, ठीक है। इस स्प्रिंगर किसे बोलते हैं? स्प्रिंगर, तो स्प्रिंगर फ्रेंड्स जो नीचे की ये होती है ना, ये इसको बोलते हैं स्प्रिंगर, जो पहला रद्दा होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक तरह के इसको सपोर्ट देने के लिए इसको स्क्यू, स्क्यू बैक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्क्यू बैक,
यहाँ पर होता है एंड में, ठीक है। और राइज किसे बोलेंगे, जो हमारा जो यहाँ से स्टार्टिंग होता है ना इसको, स्प्रिंगर से, स्प्रिंगर से लेके और टॉप ऑफ द इंट्राडोस तक क्या होता है, इसको बोलते हैं राइज, राइज ऑफ द आर्च, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और हॉन्च किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, ये जो अपर सरफेस होती है ना ऊपर तक का, इसको बोला जाता है हॉन्च, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, हॉन्च बोला जाता है इसको। क्राउन किसे बोला जाता है, जो अपर मोस्ट, लोअर, लोअर मोस्ट पॉइंट होता है ना, इसको मैं बोलता हूँ क्राइन, क्राउन, और इसको इंट्राडोस बोला जाता है। तो मैंने आपको पूरा पॉइंट बता दिया इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अ बैज शेप्ड ब्रिक फॉर्मिंग एन आर्च, तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं वॉइसर, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, वॉइसर बोला जाता है। ये देखो मैंने आपको बता दिया वॉइसर, ये रहा, ये जो होता है ना ये, इसको वॉइसर बोला जाता है, ये जो ब्रिक्स बनती हैं इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जो ये ब्रिक्स होती हैं ये वाली, इनको बोलते हैं वॉइसर्स। सो वही तो यहाँ पे पूछा है, द वेज शेप्ड ब्रिक फॉर्मिंग एन आर्च इज नोन एज वॉइसर। आई होप फ्रेंड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है। द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर अ आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन अ क्ले सॉइल, तो फ्रेंड क्ले सॉइल में कितना होता है आइसोलेटेड फाउंडेशन के लिए, तो फ्रेंड्स आइसोलेटेड फाउंडेशन के लिए 65 mm तक क्ले सॉइल का क्या होता है, सेटलमेंट होता है, ठीक है, 65 mm। सो करेक्ट ऑप्शन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर अ आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन अ क्ले सॉइल शुड बी लिमिटेड टू 65 mm, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ थिक रेनफोर्स्ड सीमेंट स्लैब, द फाउंडेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ थिक रेनफोर्स्ड सीमेंट स्लैब कवरिंग द होल एरिया, कवरिंग द होल एरिया टू सपोर्ट हैवी कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रक्चरल लोड। अब देखिए जब क्या होता है, जब आपके सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है ना, और कई सारे कॉलम्स खड़े बनाने हैं आपको, और सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेस प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं पूरे 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 एरिया पे, जहाँ पे पूरी बेयरिंग कैपेसिटी ख़राब होती है सॉइल की, ठीक है। पूरे एरिया पे हम लोग क्या करते हैं, एक बेस बनाते हैं, और उसी को फ्रेंड्स हम लोग क्या कर देते हैं, एक इसको रेफ्ट फाउंडेशन बोल देते हैं, पूरे में रेनफोर्समेंट डाला जाता है। द फाउंडेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ थिक रेनफोर्स सीमेंट स्लैब कवरिंग होल एरिया, जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है, कवरिंग होल एरिया टू सपोर्ट हैवी कॉन्सेंट्रेट स्ट्रक्चर लोड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ रेफ्ट फुटिंग, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। ये देखिए ये रेफ्ट फुटिंग है, मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल्सो कम इन एसएससी जेईई एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन शुड बी, फॉर ईच स्टोरी बिल्डिंग द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन शुड बी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स 3 meter, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अ प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन। गलत आंसर है ये तो गलत आंसर है बिल्कुल। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट आपकी कंप्रेशन में मजबूत होती है, टेंशन में मजबूत नहीं होती है, इसीलिए तो हम लोग उसमें रेनफोर्समेंट का ही प्रयोग करते हैं, ताकि वो टेंशन में भी मजबूत हो जाए। देखा है आपने, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ, ये भी गलत। कभी भी स्लम्प टेस्ट से कॉन्क्रीट, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा कि साहब कि हमने स्लम्प टेस्ट से हम लोग कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कभी नहीं। स्लम्प टेस्ट से हम लोग वर्कबिलिटी चेक करते हैं कॉन्क्रीट की, ठीक है। क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज डन फॉर द प्रॉपर कॉम्पेक्शन ऑफ सीमेंट, गलत आंसर, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यूरिंग हम लोग क्या करते हैं, ताकि श्रिंकेज ना हो और उसका हाइड्रेशन प्रोसेस सही हो कंक्रीट का, ठीक है। हाइड्रेशन प्रोसेस सही होगा तो स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर अच्छी आएगी, अगर क्यूरिंग नहीं होगी तो हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं होगा, हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ कंक्रीट के सेक्शन की कम हो जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, फाइननेस मॉडुलस इज अ इंडेक्स नंबर
एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव साइज ऑफ बोथ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। हाँ ये सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, और वो यहाँ पे पूछा गया था करेक्ट कौन सा है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। ये क्वेश्चन एसएससी जेई का है, ठीक है, ये आई थिंक 2018 में या 2017 में आया था ये। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कॉम्पैक्टिंग द सॉइल, ड्रेनिंग द सॉइल, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या ग्राउटिंग करके। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ ड्रेनिंग द सॉइल। ओके, ड्रेनिंग द सॉइल, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ अ ब्रिक वर्क, द पोजिशन ऑफ अ ब्रिक वैन लेड ऑन इट इज 9 cm × 9 cm विद इट इज अ फ्रॉग इन द वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड एज। सो इसको क्या बोला जाता है, द पोजिशन ऑफ द ब्रिक वैन लेड ऑन इट इज साइड 9 cm × 9 cm विद इट इज अ फ्रॉग इन अ वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड एज। सो इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है ब्रिक ऑन एंड। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, टुडे क्लास लास्ट क्वेश्चन इज अ फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विद अ 4 to 6 mm मार्बल चिप्स। सो इस टाइप के फ्लोर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो फ्लोर कंस्ट्रक्ट होता है, या मैं आपको इमेज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये आप देख रहे हैं काफ़ी बहुत ही अच्छा फ्लोर होता है ये देखने में, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ये मार्बल चिप्स से मिलकर बना होता है ये फ्लोर, ठीक है, तो इस फ्लोर को क्या बोला जाता है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, और ये क्वेश्चन फ्रेंड पूछा भी गया है, इस तरीके के फ्लोर को क्या बोलते हैं, तो इस तरीके के फ्लोर को जो बोला जाता है, ये बोला जाता है टेराजो फ्लोर। अब आप देखिए, कभी नहीं बोलेंगे टेराजो फ्लोर कैसा फ्लोर होता है, ठीक है, मार्बल फ्लोर तो वही होता है, मार्बल पूरे पत्थर लगा देते हैं वो मार्बल फ्लोर होता है, ठीक है, टाइल फ्लोर अलग होता है, ठीक है, ये होता है चिप्स वाला जिसमें मार्बल के चिप्स लगा दिए जाते हैं, मार्बल चिप्स 4 mm के 6 mm के साइज के, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, टेराजो फ्लोर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टेराजो फ्लोर। आई होप फ्रेंड आपको क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और कुछ बदलाव आपको अगर करवाना है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे लगे वो बताइएगा, और ये सारे क्वेश्चन निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं सारे, उसी की तर्ज पे हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे ना, जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप को टिक लगाने से रोक नहीं पाओगे आप, ठीक है, बशर्ते आपको अच्छी तरीके से, अगर जो क्वेश्चन याद करने वाला है उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, जो क्वेश्चन समझने वाला है उस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है, कैसे भी करके एग्ज़ाम क्लियर करिए बस, ठीक है, मेन मोटिव हमारा यही है। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, फ्रेंड सर्किल में जो भी फ्रेंड्स हैं आपको उनको भी बताइए, ठीक है, और अपना ख्याल रखें, हाथ धोते रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और कोरोना से लगातार लड़ते रहें। थैंक यू।